है बबलू, क्या बता रहा तू ये लस्सी वाला? तो भैया ये जयपुर का सबसे फेमस लस्सी वाला है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी शूटिंग करने आता है ना, अच्छा, तो यहाँ पर आके खड़े होके यहीं पे लस्सी जरूर पी के जाता है, उसी के बाद ही सारे काम पूरे होते हैं। भाई ये बहुत फेमस लस्सी वाला है दोस्त, इसका बहुत दूर 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 तक चर्चे हैं इसके, लेकिन चक्कर के हम यहाँ आए और इसकी लस्सी खत्म हो चुकी है। तो अभी ऐसे ही डुप्लीकेट बगल वाला खुला है, वहाँ की लस्सी ट्राई मारते हैं। चलो ठीक है लस्सी भाई, तो दो तीन दे दो यार। हाँ नहीं, छोटी क्या, छोटी बड़ी में क्या फर्क है भाई? छोटी क्या ज्यादा हो जाएगी क्या दूसरी बड़े वाली? बड़ी ज्यादा हो जाएगी। नाम भी वही सेम नाम डाल के खोल दिए। नहीं भाई, ओरिजिनल जो है ना ये लस्सी वाला है, बाकी सेम नाम पे और दो तीन दुकानें खुल चुकी हैं जिन पे केसेस भी चल रहे हैं। लो भाई, मुझे आप करोगे? हाँ आप कर रहे हो, और तो खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे? एक और दो ये देख, हमारे लिए चैलेंज। ये हमने मंगाई थी कि एक दो में आप लोग सब लोग है ना? नहीं नहीं, हमको एक पे शेयर करेंगे। लस्सी ना ले ले, चार और दो एक में हम दोनों खाएंगे। भाई ये भी माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है ये भी। तो अगर ये ऐसी है तो उसकी लस्सी कैसी होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। ये डुप्लीकेट लस्सी है, बट डुप्लीकेट भी अच्छी है, ओरिजिनल कैसी होगी? अरे ले यार, अरे पी ली, कोई बात नहीं, अभी दो चार दिन के लिए अपनी फिजी को छोड़ देते हैं, बाद में आएंगे। चलो भाइयों फिर चलते हैं अभी हवा महल, आ जाओ। चलते हुए भी पेट भारी लग रहा है, ऐसे होता ना कि टूटा हुआ इतना। हम आ चुके हैं हवा महल के सामने। अब विजय मुझसे पूछना मत इसकी हिस्ट्री क्या है, पूछ हिस्ट्री क्या है। इसकी है कि इसकी हिस्ट्री है पुराने टाइम का एसी है भाई साहब। यहाँ अंदर जो है, अंदर जैसे जाओगे अंदर ठंड लगती है, इतनी मस्त हवा चलती है, बिल्कुल है ना। और ये जो ये बना हुआ है बिल्कुल अलग स्टाइल से बना हुआ है, आप देख पाओगे पूरी बिल्डिंग जो है एक डिफरेंट वे बनी हुई है। कलर भी है और ये बेसिकली छोटे छोटे झरोके हैं यहाँ से नीचे से, जैसे प्रोसेशन या कोई मान लो अपने राजा महाराजा जाते थे तो जो उनकी रानियां होती थी या दासियां होती थी वैसे छुप छुप के उनको देखती थी। नहीं सही बता रहा हूँ, ये बना पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है। सब जगहों पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे झरोके हैं, तो झरोके से वैसे विंडो, क्योंकि उस समय प्रथा वो क्या पर्दा सिस्टम बहुत था, तो वैसे तो खुल के सामने आ नहीं सकती थी, तो वो झरोके से उनको निहारती थी। और भाई प्रजा तो प्रजा है, उनके राजा होते थे, सब उनसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो ये सब ये पूरे जितना भी आपको दिख रहा है ये सब स्ट्रक्चर उस समय में वो सब सोच समझ के ही बनाया गया है। नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। बढ़िया ना? हाँ पहले भी मैं दो तीन बार आया हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है आगे, क्योंकि एक तो ये पिंक सिटी है, आप देख पाएंगे कि पूरी यहाँ पे जो गलियाँ हैं और सारी सड़कें और सब मकान पिंक कलर के हैं, इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। यश ये अच्छी बात है, जौहरी लेन होगी तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। आप देखिए बोर्ड्स भी सब पे सेम जैसे लगे होते हैं, बिल्कुल चेंज करता, और ये सब किराए पे है। अच्छा ये सब सारी सारी किराए पे है, कोई किसी ओनर नहीं है इसका, कोई ओनर नहीं है, शॉप का ओनर अच्छा भी दे भाई है निकाल नहीं सकता कोई भी, कब्जा हो जाता है ना, तो भाई कब्जा कर लिया सबने, तुम समझ रहे हो।
कहाँ गया विजय, कहाँ गया? अच्छा इधर ही है ना, पुलिस वाले ने रोक दिया हम लोग को। चलो दोस्तों चलते हैं, पुलिस वाला आ गया, चलो आ जाओ। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपको एक खास मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, वो ये है राज मंदिर। देखो और यहाँ पे मतलब ये पिक्चर हॉल है जिसका नाम है राज मंदिर, और ये पूरे वर्ल्ड में केवल दो हैं, एक लंदन में है और दूसरा यहाँ जयपुर के अंदर है। भाई मैं तो जब बचपन में मतलब जब बहुत छोटा था, जब यहाँ आता था तो इसकी इज्जत ऐसी होती थी, मतलब अंदर कारपेट्स, परफ्यूम्स, बाथरूम के अंदर कि मतलब इतना लेविश लोगों का स्वागत होता था कि पूछो मत। तो यहाँ पे किसी, हाँ आज भी पूरा अंदर से है ना, परंपरागत जो हमारा इंडियन कल्चर है पूरा उस तरह से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आकर सच्ची में ऐसा लगता था कि किसी राज मंदिर में हम आ गए। दोस्तों राज मंदिर में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई, हमें अंदर घुसने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ट्रैवलर्स ही आते हैं। हमने बोला मैम भैया हम बताना चाहते हैं कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण सिनेमा हॉल है कि लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और अंदर नहीं घुसने दिया। और अभी हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ आज हमारा स्टे होने वाला है, तो आ जाइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लब है ना, आज यहाँ रुके हैं लोग। हाँ। ये देख रहे हो, ये हमारे हरीश ने आज चाइनीज चप्पल खरीदे कहाँ से, पुष्कर से। कितने में? 1000 रुपये में चाइनीज चप्पल ये हो। हाँ यार ये दिख रहे दोस्तों, ये इस क्लब का नक्शा है जहां हम रुके हैं, समझ रहे हो आप।